Sat Sri Akal, I'm Monica Kanda. Welcome to my channel. Today I'm going to make a smooth rich halwa which is made with whole wheat flour and it is everybody's favorite and it is served in Gurdwara as a prasad and the super delicious halwa known as Kada Prasad. Today I'm going to share a Kada Prasad recipe with you guys. So before I begin, let me tell you the ingredients. Kada Prasad recipe is very simple. We need 4 ingredients, that is whole wheat flour, ghee, sugar and water. And the proportion is 1:1:1:2 ratio. Or dry fruits, it is optional. वैसे normally when they make Kada Prasad, they don't add dry fruits. तो ये आप पर है, मैं raisin डाल रही हूँ और इलायची पाउडर डाला और आप गार्निश कर सकते हैं विद योर फेवरेट ड्राई फ्रूट्स. आप चाहे तो अलग सा भी शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसमें पानी को बॉईल करके उस पर शुगर मिक्स करके आप उसको, पर उसका प्रोपोर्शन होगा 1:1:1:3. क्योंकि जब आप अलग सा सॉल्यूशन बनाते हैं शुगर सॉल्यूशन, तो उसके लिए थोड़ा पानी ज़्यादा होना चाहिए. और कड़ा प्रसाद बनाने के लिए हमेशा मीडियम पिसा हुआ आटा लेना चाहिए चक्की का. अगर आप फाइन आटे से बनाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं बनेगा. अगर आपके पास चक्की वाला आटा नहीं है तो आप रेडीमेड आटे से भी बना सकते हैं, पर पीसे हुए जो चक्की वाले आटे से जैसा कड़ा प्रसाद अच्छा बनता है, उतना पीसे हुए फाइन आटे से नहीं बनता. अब शुरू करते हैं. मैंने उसके लिए 1 कटोरी घी लिया है और 1 कटोरी व्हीट फ्लावर आटा और 1 कटोरी शुगर और रेजिन और क्रश इलायची लिया है मैंने. इस नॉन स्टिक पैन में मैंने घी डाला है. अब इसमें मैं व्हीट फ्लावर ऐड करूँगी और इसको हम स्लोली इसको मिक्स करेंगे. हमें स्लोली स्टर करना है जिससे कि इसमें लंप ना बने. हमें कंटिन्यूसली इसको हम स्टर करेंगे. इसको आप स्लोली ऐसे मिक्स करिए और हम इस आटे को लो टू मीडियम फ्लेम में सेकेंगे और इसको तब तक सेकना है जब तक इस आटे का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो. तब तक हम इसको सेकते रहेंगे और कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे. आप में से काफ़ी लोग जानते ही होंगे, जब ये प्रसाद गुरुद्वारे में बनाया जाता है तो दे चांट वाई गुरु कंटिन्यूसली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वाई मेकिंग कड़ा प्रसाद. और अगर ये चांट नहीं करते तो वो प्रसाद नहीं कहलाया जाता. इट विल बी अ नॉर्मल हलवा. नाउ वी विल ऐड क्रश इलायची और इसे हम तब तक कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते. अब ये हमारे आटे का कलर चेंज हो गया है. अब हम इसमें शुगर डाल देंगे. अब इसको हम फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ये शुगर इसमें मेल्ट हो जाए. और ये गरम है तो ये शुगर अपने आप मेल्ट हो जाएगी. और ये आप चाहे तो एक अलग सा, मैंने आपको बताया था कि एक अलग सा भी आप शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं बॉईल करके, उसमें शुगर डाल के मिक्स करके फिर आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं. और चाहे आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. जब मैं छोटी थी तो और हम कभी गुरुद्वारे जाते थे तो गुरुद्वारे में हमेशा पाठ के बाद वो लोग कड़ा प्रसाद देते थे. तो मेरा हमेशा यही ध्यान रहता था कि कब ये
पाठ खत्म हुए और मुझे वो कड़ा प्रसाद मिले। तो कड़ा प्रसाद मेरा इतना फेवरेट है कि मेरे ख्याल से कोई भी रिलीजन के लोग होते हर किसी का फेवरेट कड़ा प्रसाद होता है। एवरीबडी लव्स कड़ा प्रसाद। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये कड़ा प्रसाद ट्राई करें। अब शुगर मेल्ट हो गई है, अब नाउ वी विल ऐड 2 बोल्स ऑफ वाटर। और हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम इसमें पानी डालते हैं, हमें स्लोली इसको स्टर करना है। और अब इसमें मैं ये दोनों बोल डाल दूँगी इसमें पानी के, और स्लोली स्लोली हमें इसको स्टर करते रहना है। हमें इसे कंटिन्यूसली तब तक स्टर करते रहना है जब तक ये जो हलवा थिक नहीं हो जाता है। अब ये हमारा हलवा काफ़ी थिक हो गया है और ये ऑयल भी छोड़ने लग गया है। आप देखिए अब ये धीरे धीरे इसमें ऑयल निकल रहा है। और अब मैं इसमें रेजिन डाल दूँगी, और अगर ऑयल छोड़ने लग जाए तो इसलिए आप समझ जाइए कि योर खड़ा प्रसाद इज़ रेडी। अब मेरा खड़ा प्रसाद रेडी है। लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।